हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं TGT, PGT, सुपर टेट और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और अन्य परीक्षाओं के विद्यार्थी जो कि तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने ग्रामर के वीडियो देना स्टार्ट किया है। एक तरफ लिटरेचर के वीडियो, साथ में मैं ग्रामर के वीडियो भी दे रहा हूँ, तो जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो मैंने देना स्टार्ट किया था, जिसमें अब तक मैं आपको दो पार्ट दे चुका हूं। आज मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट आपके लिए लेकर आया हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि ये पार्ट भी आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें मैंने बहुत ही ऐसे इम्पॉर्टेंट वन वर्ड्स का यूज किया है जिनको कि पिछली कई परीक्षाओं में जो पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में जिनके आने की पूर्ण संभावना है। तो देखिए, पहला, ए पर्सन हु फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरिंग द वेल बींग एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर्स फर्स्ट कॉमा अनसेल्फिश पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस सिद्धांत जो कि दूसरों के भले और प्रसन्नता को पहले तवज्जो देता है, इस सिद्धांत पर चलता है, या आप कह सकते हैं निस्वार्थ व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं साहब? ऐसे व्यक्ति को हम वन वर्ड में कहते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। क्या कहते हैं साहब? ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिंदी में परोपकारी। ठीक है ना, जो अपने बारे में ना सोचकर दूसरे की सोचे, दूसरे की प्रसन्नता के बारे में सोचे, वह बंदा कहलाता है ऑल्ट्रुइस्ट। दूसरा आपका आता है सेकंड नंबर पर, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि एक देश का हो लेकिन दूसरे देश में रह रहा हो, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे क्या कहते हैं साहब? ऐसे कहते हैं एम्बेसडर, यानी कि राजदूत। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, क्लोज व्हीकल फॉर कैरिंग पीपल हु आर इल, बाउंडेड इन वॉर और हर्ट इन एक्सीडेंट, यानी कि एक बंद गाड़ी जो कि लोगों को लाने ले जाने के लिए काम में आती है, ख़ासतौर से उन लोगों को जो कि या तो बीमार हों या युद्ध के दौरान घायल हो गए हों या एक्सीडेंट में घायल हुए हों, तो ऐसी गाड़ी को क्या कहा जाता है साहब? तो एम्बुलेंस कहा जाता है ऐसी गाड़ी को। नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर, ए पर्सन हु इज़ आउट टू ओवरथ्रो एन एस्टेब्लिश गवर्नमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट का विरोधी हो, एक सरकार जो चुनी हुई सरकार है उसका विरोधी हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं साहब? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम एनार्चिस्ट। क्या कहते हैं? एनार्चिस्ट, यानी कि अराजकता का समर्थक। नेक्स्ट, मेडिसन कॉमा ड्रग एबल टू लेजन पेन एनीथिंग दैट इज मेंटली सूथिंग, यानी कि दवा या ड्रग जिसका कार्य दर्द को कम करने में किया जाता है या मानसिक पीड़ा को जो दवा कम करने में सहायता देती है, ऐसी दवा को क्या कहा जाता है साहब? तो ऐसी दवा को एनोडाइन कहा जाता है और हिंदी में ऐसी की दवा को का इसको कहा जाता है दर्दनाशक। क्या कहा जाता है? दर्दनाशक, यानी कि एनोडाइन और हिंदी में दर्दनाशक। सिक्स नंबर पर आता है आपका, ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी दवा जो कि जहर के असर को कम करने में यूज़ की जाती है, ऐसी दवा को क्या कहा जाता है? एंटीडोट। क्या कहा जाता है साहब? एंटीडोस, यानी कि दवा जो विष को समाप्त करे, उसको क्या कहते हैं हम? एंटीडोट। अगला है, ए सप्लीमेंट एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक, किसी भी बुक के समापन पर जो एक सप्लीमेंट जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं साहब? इंग्लिश में इसको कहते हैं अपेंडिक्स और हिंदी में कहते हैं शेष पूर्ति या परसिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, गवर्नमेंट बाई ए पर्सन, गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑफ द हाईएस्ट सोशल रैंक, यानी कि सरकार ऐसे लोगों की जो कि समाज में उच्चतम रैंक से कनेक्टेड हों, तो ऐसी सरकार को क्या कहा जाता है? तो साहब एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है ऐसी सरकार को, और हिंदी में कहें तो हम कहेंगे सामंतों द्वारा शासन। नेक्स्ट, नाइन नंबर आपका आता है, साइंस ऑफ जजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज ऑन ह्यूमन बीइंग, यानी कि वह विज्ञान जिसका प्रयोग किया जाता है, वह विज्ञान जिसका प्रयोग जो हमारी हेवनली बॉडीज होती हैं उनका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, तो ऐसे विषय का अध्ययन, ऐसे विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साहब कहलाता है एस्ट्रोलॉजी, यानी कि नक्षत्र विज्ञान। उसके बाद एन असेंबली ऑफ लिसनर, यानी कि जो लिसनर्स होते हैं उनकी जो भीड़ होती है उनको क्या कहा जाता है? ऑडियंस, यानी कि श्रोतागण। 11 नंबर, गवर्नमेंट रूल्ड बाई वन पर्सन, एक ऐसा
ऐसी सरकार जो कि एक व्यक्ति सिर्फ चलाता हो उसको हम क्या कहेंगे साहब, हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे ऑटोक्रेसी, और निरंकुश राज्य शासन इसकी हिंदी होती है ऑटोक्रेसी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी बाई कटिंग इट ओपन टू नो द कॉज ऑफ डेथ, यानी कि किसी भी मृत शरीर का पोस्टमार्टम यानी कि उसको काटकर बॉडी को और ये पता लगाने का प्रयत्न कि व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या है, तो ऐसी इस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो भैया इसकी ऐसी इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऑटोप्सी इंग्लिश में, और हिंदी में अगर कहें तो शव विच्छेदन। पोस्टमार्टम हमने सुना है, पोस्टमार्टम शब्द हम लोग बोलते हैं, उसको अगर एक शब्द में कहें तो ऑटोप्सी कहा जाता है। 30 नंबर, वन हु इज़ अनेबल टू बंस डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि उधार चुकाने में असमर्थ हो ऐसे व्यक्ति को बैंकरप्ट कहा जाता है साहब, और हिंदी में दिवालिया। ठीक है सर साहब, अगला आता है 14 नंबर, ए चाइल्ड हु इज़ नॉट बॉर्न ऑफ लॉफुल मैरिज, एक ऐसा बच्चा जो कि कानूनी विवाह से पैदा ना हुआ हो ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं, बास्टर्ड कहते हैं, यानी कि अवैधानिक बच्चा। 15 नंबर, ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किताबों को इकट्ठा करता है और किताबों से प्रेम करता है ऐसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बिब्लियोफाइल, क्या कहते हैं साहब, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट नंबर आता है आपका 16, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट ए टाइम, यानी कि वह नीति जिसमें कि दो पत्नियां या दो पति रखने की प्रथा जो है वो उसको क्या कहा जाता है साहब, तो ऐसी प्रथा को कहा जाता है बाइगैमी, क्या कहा जाता है साहब, बाइगैमी कहा जाता है, और अगर इसको हम हिंदी में कहें तो बाइगैमी को कहा जाता है बहुपत्नी प्रथा या बहुपति प्रथा। ठीक, 17 नंबर, टू फुटेड एनिमल, यानी कि ऐसा जानवर जो कि जिसके दो पैर होते हैं ऐसे जानवर को क्या कहा जाता है, तो भाई ऐसे जानवर को बाइपेड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बाइपेड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 18 नंबर, गवर्नमेंट बाई अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स, एक ऐसी सरकार जो कि ऐसे ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती हो जिसका जो कि किसी चुनाव में चुनाव के आधार पर ना जीते हों, तो ऐसे ही सरकार को क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी, क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी, यानी कि अनिर्वाचित अफसरों द्वारा शासन। कई ब्यूरोक्रेट्स अब आज हमारी सरकार जो चल रही है देश की उसमें कई ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट मंत्री बनाए गए हैं, मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को ही और ऐसी सरकार को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एनिमल दैट ईट्स इट्स ओन स्पीसीज, यानी कि वह जो कि मनुष्य का मांस खाता है या वे जानवर जो कि ही अपने ही स्पीसीज के जानवरों को खा जाते हैं ऐसे को क्या कहते हैं साहब, तो ऐसों को कहते हैं कैनिबल, हिंदी में कहें नरभक्षी, और अगर और ख़तरनाक नाम चाहिए तो राक्षस। नेक्स्ट आपका आता है ए कंप्लीट लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंप्लीट लिस्ट को क्या कहा जाता है साहब, तो इसको कहा जाता है कैटेलॉग, क्या कहा जाता है, कैटेलॉग कहा जाता है ए कंप्लीट लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि कैटेलॉग। नेक्स्ट आपका नंबर आता है एन एरिया ऑफ लैंड यूज फॉर बरिंग डेड बॉडीज, वह स्थान जिसका प्रयोग शवों को दफनाने के लिए किया जाता है ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है, तो ऐसे स्थान को सीमेट्री कहा जाता है यानी कि, और हिंदी में अगर कहें तो कब्रिस्तान। नेक्स्ट 22 नंबर, ए पर्सन हु इज़ ऑलवेज रेडी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सदैव दूसरों में कमी निकालने के लिए गलतियां निकालने के लिए तैयार होता है ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो साहब ऐसे व्यक्ति को सेंसोरियस कहा जाता है, और सेंसोरियस को अगर हम हिंदी में कहें तो सेंसोरियस को हिंदी में कहते हैं दूसरों के दोष ढूंढने को तैयार रहने वाला व्यक्ति। उसके बाद एक शब्द के लिए एक सेंटेंस आपको बताना है, आपका शब्द है सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन इसका मतलब होता है राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि किसी बात को सीधा न कह के घुमा फिरा कर कहना, इस प्रक्रिया को सर्कमलोक्यूशन कहते हैं। 24 पर्संस वर्किंग टुगेदर एंड हैविंग सिमिलर रैंक, साथ साथ काम करने वाले एक ही रैंक के व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कहा जाता है कलीग्स, क्या कहा जाता है, कलीग्स कहा जाता है, सहकर्मी। नेक्स्ट ए ब्रांच ऑफ ड्रामा दैट डील्स विद एवरीडे लाइफ विद ह्यूमर एंड एंड्स ऑन ए हैप्पी नोट, ड्रामा का ही वह शाखा जो कि
रोजमर्रा के जीवन से कनेक्टेड होती है, जिसमें ह्यूमर क्रिएट होता है और जिसका अंत सुखद होता है, ऐसे ड्रामास को क्या कहा जाता है? तो ऐसे ड्रामास को साहब कॉमेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? कॉमेडी कहा जाता है। नेक्स्ट, ए डिसीज और डिफेक्ट सिंस बर्थ, कोई बीमारी या कमी जो कि जन्म से होती है उसको क्या कहा जाता है साहब? तो ऐसी चीज़ों को कहा जाता है कॉन्जेनिशल। क्या कहा जाता है? कॉन्जेनिशल। और अगर हिंदी हम कहें कॉन्जेनिशल की, तो जन्मजात रोग। क्या कहते हैं? जन्मजात रोग। 27 नंबर फिर आता है आपका, ए डिसीज विच स्प्रेड्स बाई कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ए पेशेंट, एक ऐसी बीमारी जो कि किसी बीमार व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आ जाने से हो जाती है, ऐसी बीमारी को क्या कहा जाता है? तो ऐसी बीमारी को कहा जाता है कॉन्टेजियस, और हिंदी में अगर कहें तो हम छूत का रोग। नेक्स्ट, प्रिपरेशन डिजाइन टू ब्यूटीफाई हेयर स्किन और कॉम्प्लेक्शंस, वह क्रिया या वह प्रिपरेशन जो कि बाल स्किन और कॉम्प्लेक्शंस को खूबसूरत बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो ऐसे को क्या कहते हैं साहब? तो ऐसे को कहते हैं कॉस्मेटिक। क्या कहते हैं साहब? कॉस्मेटिक, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन। नेक्स्ट आपका आता है, ए पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिस एंड लिमिटेशन, ए पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिसेस एंड लिमिटेशंस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि राष्ट्रीय प्रेजुडिसेस और लिमिटेशंस से मुक्त रहता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं साहब? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं क्रेडुलस। क्या कहते हैं साहब? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं क्रेडुलस, ठीक है ना साहब? नेक्स्ट आपका आता है, प्लेस वेयर कॉर्पसेस आर बर्न टू बी रिड्यूस्ड टू एशेस, वह स्थान जहां डेड बॉडीज को जलाया जाता है, जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है हिंदू रीति रिवाज की जगह तरह से, तो ऐसे स्थान को क्या कहते हैं साहब? तो ऐसे स्थान को कहते हैं क्रिमेटोरी। क्या कहते हैं? क्रिमेटोरी, यानी कि शमशान, और इसी शब्द बना है क्रिमिनेशन, यानी कि अंतिम संस्कार, ठीक है ना? नेक्स्ट आपका आता है 31 नंबर, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, एक ऐसी सरकार जो कि लोगों की है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, तो ऐसी सरकार को क्या कहा जाता है साहब? डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी कि प्रजातंत्र। नेक्स्ट आपका आता है, ए कोर्स और फ्रूट स्वीट डिश एटसेट्रा एट द एंड ऑफ ए मील, कोई भी फल मिठाई या डिश जो कि भोजन की समाप्ति पर और ख़ास तौर से डिनर की समाप्ति पर दी जाती है, ऐसे क्या कहते हैं? कहते हैं साहब डेजर्ट। क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं, यानी खाने के बाद का मिष्ठान। उसके बाद आपका अगला आता है 33 नंबर, ए रूलर हैविंग ए एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंड पावर, एक ऐसा शासक जिसके पास पूर्ण रूप से शक्ति हो, एब्सोल्यूट पावर हो, अथॉरिटी हो, ऐसे शासक को क्या कहा जाता है? तो ऐसे शासक को कहा जाता है डिक्टेटर, यानी कि तानाशाह। नेक्स्ट 34 नंबर, ए मैन विद पेक्यूलर एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका बिहेवियर कैसा है? एबनॉर्मल है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऐसे व्यक्ति को सनकी कहा जाता है, और इंग्लिश में कहा जाता है इसेंट्रिक। नेक्स्ट, लवर ऑफ वंस ओन सेल्फ, सिर्फ अपने आप से प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उन्होंने कहा इगोइस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है साहब? इगोइस्ट कहलाता है। शुद्ध हिंदी अगर कहें तो आत्मश्लाघी। क्या कहते हैं साहब? आत्मश्लाघी। नेक्स्ट आपका आता है 36 नंबर, ए बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज और ऑफ वन सब्जेक्ट, एक पुस्तक या पुस्तकों का समूह जो कि ज्ञान के सभी ब्रांचेस की इन्फॉर्मेशन देती है या किसी एक विषय पर इन्फॉर्मेशन देती है, ऐसी बुक को क्या कहते हैं साहब? तो ऐसी बुक को कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। क्या कहते हैं साहब? एनसाइक्लोपीडिया, और हिंदी होता है इसका विश्वकोश। नेक्स्ट 37 नंबर, ए लॉन्ग पोएम सेलिब्रेटिंग द ग्रेट डीड्स ऑफ वन और मोर लीजेंडरी हीरोज इन ए ग्रांड सेरेमोनियल स्टाइल, यानी कि एक लंबी पोएम, एक लंबी कविता, बड़ी कविता जिसमें कि जो लीजेंडरी हीरोज हैं उनके द्वारा किए गए, एक लीजेंडरी हीरो या कई लीजेंडरी हीरोज के द्वारा किए गए, जो आप कह सकते हैं जो हीरोइक वर्क्स होते हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है, वो भी सेरेमोनियस स्टाइल में, तो ऐसी पोएम को क्या कहते हैं साहब? तो ऐसी पोएम को कहा जाता है एपिक, यानी कि महाकाव्य। नेक्स्ट आता है आपका, ए पर्सन डिवोटेड टू प्लेजर स्पेशली रिफाइंड सेंसुअल एन्जॉयमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपका प्लेजर के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से लगाए रहता है, खास तौर से सेंसुअस एन्जॉयमेंट के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एपिक्यूरियन। क्या कहा जाता है साहब? एपिक्यूरियन कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को। एपिक्यूरियन का मतलब आपका होता है, अगर हम आपको एक शब्द में कहें तो एपिक्यूरियन का मतलब होगा आपका भौतिक सुखवादी।
नेक्स्ट आता है 39 नंबर, ए डिसीज दैट स्प्रेड्स रैपिडली अमंग पीपल इन द सेम प्लेस, एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत तीव्रता के साथ एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों के बीच फैल जाती है, उसको क्या कहते हैं साहब? तो उसको कहते हैं एपिडेमिक। क्या कहते हैं साहब? एपिडेमिक, महामारी, जिसका सामना हम सब आजकल कर रहे हैं। कोविड क्या है? एक एपिडेमिक है। नेक्स्ट आपका आता है 40 नंबर, बर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति की जो कब्र होती है, टॉम्ब होती है, उसके ऊपर लिखे हुए शब्द क्या कहलाते हैं? तो उसके ऊपर लिखे हुए शब्द कहलाते हैं एपिथेप, जिसकी हिंदी भी होती है कब्र के ऊपर लिखे हुए शब्द। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टू सफर फ्रॉम एक्सट्रीम हंगर, अत्यधिक भूख से परेशान व्यक्ति क्या कहलाता है? अत्यधिक भूखा, तो अत्यधिक व्यक्ति भूखा व्यक्ति कहलाता है। उसको अगर एक बार शब्द में कहें तो फेमस, क्या कहलाएगा साहब? फेमस, भूखों मरना, जिसको हम कहेंगे हिंदी में। कॉजिंग डेथ एंड डिजास्टर, यानी कि मृत्यु या डिजास्टर का कारण क्या कहलाता है? फैटल, फैटल को इंग्लिश में कहें, हिंदी में कहें तो प्राण नाशक या घातक। नेक्स्ट आता है वन हु इज डिसअपॉइंटेड ड्यू टू अनफुलफिलमेंट ऑफ सम एक्सपेक्टेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी कार्य की पूर्ति ना हो पाने के कारण, या जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन थी उसके पूरी ना हो पाने के कारण डिसअपॉइंटेड रहता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है साहब फ्रस्ट्रेटेड। क्या कहा जाता है? फ्रस्ट्रेटेड ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, और हिंदी इसकी होती है निराश या हताश। नेक्स्ट आपका आता है 44 नंबर, वन हु टॉक्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बातें बहुत अधिक करता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है गैरुलस। क्या कहते हैं साहब? गैरुलस कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को, हिंदी में कहते हैं बातूनी। अगला 45 नंबर, केमिकल सब्सटेंस यूज टू डिस्ट्रॉय जर्म्स, वह केमिकल सब्सटेंस जिसका प्रयोग जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं साहब? तो उसको कहते हैं जर्मीसाइड। क्या कहते हैं साहब? जर्मीसाइड कहा जाता है, यानी कि जीवाणु नाशक। उसके बाद 46 नंबर, लिस्ट ऑफ टेक्निकल ऑब्सोलीट एंड एब्स्ट्रूस वर्ड्स अलोंग विद देयर एप्लीकेशन, यानी कि अगर हम आपको बात करें तो ऐसे शब्द चाहे वो टेक्निकल हों या सिंपल हों जिनका अर्थ समझना मुश्किल होता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जब शब्द एक साथ होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो भैया उसको कहा जाता है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी को हम हिंदी में कहते हैं शब्द संग्रह, या आपका दूसरा शब्द इसका शब्दावली। नेक्स्ट आपका आता है अगला, लास्ट मतलब 46 नंबर पर अब आपका आता है ग्लॉसरी के बाद 47 नंबर, ए हस्बैंड हु इज़ डोमिनेटेड ओवर बाय हिज वाइफ, एक ऐसा पति जो कि डोमिनेटेड रहता है अपनी पत्नी से, तो ऐसे पति को क्या कहते हैं साहब? ऐसे पति को कहते हैं हैंडपैक्ड। क्या कहते हैं? हैंडपैक्ड, यानी कि जोरू का गुलाम। नेक्स्ट आता है 48 नंबर आपका, 48 नंबर जब शुरू होता है तो 48 नंबर आपसे पूछा जा रहा है डिसेंडिंग बाई इनहेरिटेंस, डिसेंडिंग बाई इनहेरिटेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू एनदर, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः ट्रांसफर हो जाने वाली चीज क्या कहलाती है? भैया कहते हैं हेरिडिट्री। क्या कहते हैं साहब? हेरिडिट्री, यानी कि पैतृक या परंपरागत। 49 नंबर, ए फिगर हैविंग सिक्स साइड, एक ऐसा फिगर जिसमें कि 6 साइड्स होती हैं, ऐसे फिगर को क्या कहते हैं साहब? तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं हेक्सागोन। क्या कहते हैं? हेक्सागोन, और हिंदी में कहें तो षटभुज। उसके बाद लास्ट आपका आता है 50 नंबर, वन हु किल्स ए ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा बंदा जो कि किसी ह्यूमन बीइंग की हत्या कर देता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साहब? या ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है साहब होमिसाइड। क्या कहा जाता है? होमिसाइड, यानी कि मानव हत्या। तो आज के इस वीडियो में मैंने 50 आपको वन वर्ड्स दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मुझे पूर्ण आशा है आपको पसंद आए होंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करिए, और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय हिंद, जय भारत।